यहाँ तक, और ये रही मस्जिद, इतनी लंबी लाइन है भाई साहब। तो नया दिन है, एक और नया व्लॉग के साथ मैं वापस से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। सीन ये है कि घर में बनने वाला था इफ्तार हर रोज की तरह, और इफ्तार में आज बन रहा था स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल की फिलिंग्स तैयार हो गई, पट्टी जब निकाला गया तो पता चला कि पट्टी जो है वो ख़राब हो गई है। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए, फिर याद आया कि आप लोगों को एक और नई चीज़ दिखाई जा सकती है, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह तो पुराना है, आप लोगों को कुछ नया दिखाने। हम लोग जा रहे हैं ड्राइव थ्रू इफ्तार करने, इफ्तार पिक करने। एक्चुअली में क्या होता है ड्राइव थ्रू इफ्तार उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। फिलहाल मौसम कैसा है? अप्रैल का आखिरी हफ्ता चल रहा है और यहाँ सुबह में आज -15 डिग्री फीस लाइक था, तो मौसम जो है बुरा है। एनीवेज, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरे बारे में, और जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम बशार हबीबुल्ला है और मैं पटना बिहार से हूँ, और फिलहाल विनिपेग कनाडा में रहता हूँ। और ये जो यूट्यूब चैनल है ये दरअसल मेरी एक जर्नी है, आप लोगों से रूबरू कराता हूँ एक जो मुहाजिर, जो इमिग्रेंट लाइफ होती है वो कैसी होती है, क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उस बारे में ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लोग नए लोग हैं जो पिछले एक दो वीडियो से हमारे पास आ रहे हैं वो चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लें तो अच्छा रहेगा, एल्गोरिथम में फ़ायदा होगा, वीडियोज बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। एनीवे तो चला जाए, तो हम लोग जा रहे हैं MIA की ग्रैंड मॉस्क। MIA का ग्रैंड मॉस्क वहीं जहां हम लोग लास्ट इफ्तार किए थे, साउथ एशियन इफ्तार। MIA क्या है इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि MIA यहां का वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट इस्लामिक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 से, मतलब 50 साल से यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को सर्व कर रही है। उसी का ड्राइव थ्रू इफ्तार होता है। ड्राइव थ्रू इफ्तार क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि ड्राइव थ्रू क्या होता है, यहाँ का कंसेप्ट। मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ खासतौर पर, जैसे मैंने बताया कि देसी कम्युनिटी के लिए बनाता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में रह रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर सकें लाइफ को, यहाँ की लाइफ को। तो शायद वहाँ अभी हिंदुस्तान में, मुझे पता है कि पाकिस्तान में भी कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में ड्राइव थ्रू स्टार्ट हो गया, बट बहुत रेयर है। तो यहाँ ड्राइव थ्रू इफ्तार होता है, वो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट जो होता है, वहाँ क्या होता है कि रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ आप डायरेक्ट बाहर से ही ऑर्डर करके चीज़ें पिक कर सकते हैं, तो वैसे ही ड्राइव थ्रू इफ्तार भी है। आप बाहर ही में इफ्तार हमें मिल जाएगा, कार में बैठे बैठे ही लेके निकल लेंगे, घर आके खा लेंगे। तो वहीं जा रहे हैं, पता नहीं अभी आज मिल रहा है कि नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तो पता चला वहाँ भी नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। तो फ़िलहाल वहीं MIA जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है ड्राइव थ्रू इफ्तार में, आज कैसे चलता है ड्राइव थ्रू इफ्तार। कम्युनिटी जो है उसे सपोर्ट करती है, MIA फ़ंड कर रहा होता है, बहुत दफ़ा बहुत सारे इंडिविजुअल्स लोग फ़ंड कर रहे होते हैं डिफरेंट डेज़ पे इफ्तार को, और बहुत दफ़ा बहुत सारी बिजनेसेस फ़ंड कर रही होती। तो MIA कहती है कि आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, और लोग सपोर्ट करते हैं, इफ्तार प्रोवाइड करते हैं, हज़ारों हज़ार लोग आके इफ्तार ले जाते हैं। मलिहा के आने से पहले तक मैं जो हूँ वो वहाँ से दो तरीके से इफ्तार कर रहा था, एक ड्राइव थ्रू इफ्तार से कभी उठा रहा था, कभी एक पायनियर मॉस्क से, वो भी MIA की है, वहाँ भी इफ्तार हो जाता था, वहाँ मैं बैठ कर भी इफ्तार करता था। जो मेरे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो देखते रहते थे, उनमें से ही बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार इस पे आप व्लॉग बनाइए, लोगों को जानना चाहिए क्या होता है ड्राइव थ्रू इफ्तार, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। तो वहीं जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क वापस से, मौसम काफ़ी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो पता नहीं इफ्तार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाहर से कुछ और लिया जाएगा। बट दी होल आइडिया आज मुझे जो इफ्तार लेने का है वो यही है कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ड्राइव थ्रू इफ्तार क्या होता है। चला जाए आते हैं। आगे नाना जी की गाड़ी जा रही है, अगर आप नंबर प्लेट देख सकें तो नंबर प्लेट में लिखा हुआ है नाना जी। एनीवे होता है ना, तो एनीवे मेरी जो शरीक हयात हैं वो शरीक हयात जो हैं वो अंग्रेज़ी की मास्टरनी हैं, तो हमारी हमें अंग्रेज़ी ठीक करती रहती हैं। तो एनीवे सीन ये है कि पिछले दो वीडियोस से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का,
ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और कमेंट करके बताते रहें कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या देखना चाहते हैं आप वीडियोज़ में, तो सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियोज़ बनाऊँगा और चीज़ें दिखाऊँगा आप लोगों को यहाँ के बारे में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कुछ सवाल जवाब, काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है तो लग रहा है कि आज नहीं मिल रहा, उपलब्ध नहीं है, वरना मैं मलिहा के आने से पहले जब भी आया था 2-3 दफ़ा तो देखा था यहाँ तक लाइन लगी रहती थी गाड़ी की, मतलब आधे किलोमीटर दूर तक। तो आज एक भी गाड़ी की लाइन नहीं है, तो आइदर वी आर वे टू अर्ली क्योंकि अभी एक घंटा है इफ्तार में और मिल ही नहीं रहा है। ओ मिल रहा है, उधर उधर घुमा, तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी, चलो अब सिंदूर से शूट करते हैं। तो आज ज़रा भी भीड़ नहीं है और शायद मिल रहा है, तो आई डोंट नो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं है कोई, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है, तो मिल रहा है क्योंकि स्नो हो रहा है, वरना लोग यहाँ यहीं पे होते हैं और यहीं से डोनेट यहीं से दे रहे होते हैं, बट आज बारिश हो रही है तो अंदर से दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ डोनेट भी कर दिया जाए, ऐसे ही सपोर्ट भी होता है, तो ये लेके आ रहे हैं। JazakAllah khair. If I want to donate as well, what do I need to do? Boxes inside, do you have cash or card? I don't. I have only 10. Machine? Or I can give you. Oh, there. Shukriya. Thank you. JazakAllah khair. तो हमें मिल गया है इफ्तार, लेके चलते हैं घर की तरफ। घर तो जाएंगे क्योंकि अभी एक घंटे हैं, तो सोच रहे हैं पहले पट्टी तो ले ही लिया जाए क्योंकि बनाना तो है ही है आज ना कल, तो पहले वहाँ भी चला जाए। क्या है इफ्तार में? आज का इफ्तार है यस नाइस। आज प्रॉपर खाना है इफ्तार में, अलग अलग रोज अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है जो फंड कर रहे होते हैं, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो अपनी तरफ से रखते हैं। तो आज इनकी तरफ से दाल और चिकन है, नहीं दाल पुलाव और चिकन। तो अब हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी बाज़ार एक ग्रॉसरी स्टोर है, देसी ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ से पट्टी ले लेंगे क्योंकि अफ्तार तो बनाना ही है। और मेरे लिए अच्छा होगा, शुक्रिया MIA, क्योंकि आज डिनर बनाने का की जिम्मेदारी मेरी थी, तो पुलाव गोश्त दे के इस जिम्मेदारी से मुझे निजात दे दिया गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खाना हमारा सॉर्टेड है आज के लिए। हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी बाज़ार पट्टी लेने, और कुछ कुछ और भी चीज़ ले ली जाएगी। ये सामने ही में पट्टी मिल गई है, समोसे भी हैं, बहुत सारे मिठाई है, तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। रमज़ान स्पेशल बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ, तो आए हैं तो सोचा चिकन भी ले ही लिया जाए। चला चिकन दे रहे हैं हमें, तो ये व्लॉग इतना ही सा था, व्लॉग छोटा सा बनाया क्योंकि इसमें बस आपको बताना था कि क्या होता है ड्राइव थ्रू इफ्तार, और आपको पता है क्या करना होता है, आगे का कार्यक्रम क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होता है, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कमेंट और शेयर करना होता है, शेयर नहीं करना होता, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होता है। और हाँ, बने रहिए वीडियो के साथ, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहिए, अच्छी चीज़ें खाते रहिए। ईद बस आने वाली है अगले हफ्ते,
ईद मनाइए खुशियों से, टाटा बाय बाय। नॉर्मल डेज में ये लंबी लाइन होती है अफ्तार के ड्राइव थ्रू की। ये किसी और दिन का वीडियो है जो मैं अभी यहाँ लास्ट में अटैच कर रहा हूँ। ये अभी मस्जिद यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ तक, और ये रही मस्जिद, तो इतनी लंबी लाइन है भाई साहब।